जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में आज अमृता, अमृता की माँ और जहान तीनों का ही रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। असल में जहान पर लग गया है चोरी का इल्जाम, और ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका और विराट के घर वालों ने लगाया है। ऐसे में जहान बार बार यही कह रही है कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। इस बात की हामी भरते हुए अमृता की माँ न सिर्फ जहान का साथ देती है बल्कि उन्हें अपनी बेटी के लिए पछतावा भी हो रहा है, और साथ ही विराट पर उनकी नाराजगी भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि विराट ने उनकी बेटी को धोखा जो दिया है। खुद के साथ इतना बुरा होने के बाद भी वापस उस घर में गए क्यों? ना कि उस विराट का भला हो, लेकिन उसके बदले में इसे क्या मिला? आज का दिन दिखाने के लिए उस विराट ने मेरी बेटी से शादी की, और वो भी जबरदस्ती हमारे मर्जी के खिलाफ। अरे उसके उसके तलाकशुदा होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादीशुदा होते हुए भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बेचारी अमृता उसका दुख केवल उसकी माँ ही समझ पा रही है, और इसी बीच घर में होती है इशिका की एंट्री। वो तो सिर्फ मजे लेने के लिए आई है। इशिका के बाद घर में आता है विराट, क्योंकि उसे लगता है कि अमृता के साथ प्रियंका ने जो भी किया है गलत किया है। उसके लिए विराट माफी भी मांगता है, लेकिन अमृता की माँ और अमृता दोनों ही विराट से नाराज है क्योंकि ये जो प्रियंका है उसने हमारी जेके पर जहान कौर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, और हम जानते हैं कि जहान कैसी औरत है, क्या कितनी इतनी अच्छी फ्रेंड, इतनी अच्छी आंटी है, और वो चोरी करेगी, और ये सब प्रियंका का प्लान होता है, और इसके बदले में, और ये साफ है इसको प्रियंका को अमू को फंसाना होता है, और उसके बदले में वो उसे क्या कुछ नहीं करवाती, ये अब मैं सब नहीं बताऊँगी, आप देखिए। और उसके चलते फिर जेके को लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। हम तो 24/7 दिखाते हैं ना आपको एंटरटेनमेंट का, ये आईना लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।